क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, आफ्टर 10 सेकेंड्स इज एलिवेशन टू बी ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर्स पर आवर। नाउ तो सबसे पहले देखो ग्राउंड बनाते हैं, ग्राउंड लेवल, दिस इज योर ग्राउंड, सपोज वी आर स्टैंडिंग हियर, है ना, क्योंकि इसने बोला एलिवेशन, तो एयरक्राफ्ट इज समवॉट हियर एंड सेकेंड इज हियर, सेकेंड पोजिशन। नाउ देखो इसने क्या क्या बोला है, सबसे पहले कितना था 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री के बाद चेंज हुआ 30 डिग्री, तो दैट मीन्स वो कैसे जा रहा है, इट इज मूविंग दिस वे, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। नाउ तो दिस इज योर फर्स्ट इज 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, सेकेंड इज दिस वन, दिस इज योर 30 डिग्री, ठीक है। नाउ अब इसने देखो और क्या बोला है, इसका हाइट इज 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, तो हाइट इज 1, दिस इज ऑल्सो द हाइट, तो एक पैरेलल यहां भी बनाएंगे, तो ये हो गया आपका 1 किलोमीटर, ये भी आपका हो गया 1 किलोमीटर, तो फर्स्ट पोजिशन इज A1, सेकेंड पोजिशन इज A2, नाउ नेम इट, ये B हो गया, ये आपका C हो गया, ठीक है। नाउ इसने और देखो क्या बोला है, आफ्टर 10 सेकेंड्स इज एलिवेशन, आफ्टर दैट मीन्स उसने ट्रेवल कितना किया, ओनली 10 सेकेंड्स, यहां से यहां तक इसको टाइम लगा 10 सेकेंड्स, तो ये अगर 10 सेकेंड्स है तो ये भी हमारा 10 सेकेंड्स हो जाएगा टाइम, है ना। तो अब इसने आगे देखो क्या बोला है, इसने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर, तो यहां पर देखो टाइम सेकेंड्स में दे रखा है, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखो आपका क्या है 10/60, मिनट में हो गया इनटू 60, तो ये आपका हो गया आवर में, तो 0 0 गॉन, तो आपका आ गया 1/360 आवर्स, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल टेक द डिस्टेंस, तो P से B हम ले लेते हैं x मीटर्स और B टू C वी विल टेक y मीटर्स, ठीक है। नाउ तो अब आप देखो क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट हम ले रहे हैं tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/x, तो tan 60 हमारा कितना होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू 1/x, तो x कितना हो गया 1/√3, नाउ रेशनल 1/√3 इसको ऐसे रहने दो। नाउ फिर हम लेते हैं tan 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, नाउ तो ये आपका आ गया 1/x + y, तो x इज 1/√3, 1/√3 + y, तो ये देखो क्या है tan 30 कितना होता है 1/√3, दैट इज इक्वल टू 1/9, तो ये आपका आ गया 1/√3 + y, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 1/√3 + y इज इक्वल टू √3, तो y कितना हो गया देखो √3 - 1/√3, नाउ एलसीएम ले लो √3, तो आपका एलसीएम इज √3, तो आपका आ गया 3 - 1 दैट इज 2, तो आपका देखो y कितना आ रहा है
2 by √3, 2 by √3। नाउ रूट थ्री को रेशनलाइज करो यहां पर, तो आपका आ जाएगा √3 by √3, दैट इज इक्वल टू 2√3 by 3। तो ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो दिस इज इन मीटर्स, सॉरी किलोमीटर्स, किलोमीटर्स। नाउ अब हमको लेकिन निकालना क्या है, इसमें कहीं पर भी नहीं बोला है कि डिस्टेंस निकालने के लिए, तो आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड। तो स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज दिस, तो 2√3 by 3 एंड टाइम इज 1 by 360। नाउ आउटर टू आउटर मल्टीप्लाई करो, इनर टू इनर मल्टीप्लाई करो, आउटर टू आउटर, इनर टू इनर। तो आपका देखो क्या आ रहा है, इट विल कम एज 2√3 × 360 by 3, है ना। 3 से कट किया हमने, ये आ गया 120। तो वी कैन से नाउ 240√3 km/h। तो ये आंसर आपका ये भी हो सकता है। दूसरा आंसर, आप रूट थ्री की वैल्यू डालेंगे, तो रूट थ्री की वैल्यू हमारी क्या है, 1.732। तो वो हमने यहां पर डाला 1.732 × 240। तो जीरो पहले हमने बाहर लिख दिया, 4 2 8, 4 3 12, 28 29, 2 carry 6। नेक्स्ट 2 से करो, 2 2 4 6 14 and 3। तो ये आपका आ गया 8 0 1 carry 16 1 carry 1 and 4 4 1 6 0 8 0, ठीक है। नाउ तो ये आपका स्पीड आ गया। तो अगर आप इसको वैल्यू में लिख रहे हैं तो आपका आएगा 416.08 km/h, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।